74वां गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर तिरंगा लहराते ही पहली बार देश में बनी 105 एमएम गन से 21 तोपों की सलामी। मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, द प्रेसिडेंट ऑफ द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य नागरिक मौजूद दिखे। मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे तो वहां के जवान भी परेड में शामिल हुए। भारतीय सेनाओं के अलग अलग टुकड़ियां परेड की शान बढ़ाती रही। गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट के जवान नजर आए तो गोरखा भी पीछे नहीं रहे। देसी अर्जुन टैंक से लेकर K9 वज्र तोप तक हुंकार भरते नजर आए। वज्र टी का है, सेना जो है पूरा देसी हथियारों की ओर जा रही है। देसी हथियारों की ओर हम यकीनन हम उस तरफ अपना हमारा ध्यान है और ज्यादा से ज्यादा हम इंडिजिनियस हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वायुसेना और नौसेना ने भी परेड में अपना दमखम दिखाया। हमेशा की तरह सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता भी अपने शाही अंदाज में नजर आया। पहली बार ऊंट सवार दस्ते में शामिल महिला कैमल राइडर ने केसरिया साफे में सबका मन मोह लिया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केरल की झांकी में नारी शक्ति दिखी तो पश्चिम बंगाल की झांकी में माँ दुर्गा, जम्मू कश्मीर की झांकी में बाबा अमरनाथ नजर आए तो कर्तव्य पथ पर चीता भी दिखा। झांकी में चीता परियोजना और सबसे बढ़िया जो इजिप्ट का ट्रूप था वो बहुत अच्छा था आज हमें देखने को मिला, क्योंकि वो पहली बार हुआ ऐसा कि हमें दूसरे फॉरेन नेशन का ट्रूप आया और हम उसे विटनेस कर पाए यहाँ से। हम सिर्फ बैंगलोर में आरडी परेड देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा। और हमें हमारा एयरफोर्स का सारा जो भी हमको दिखाया, हमारा पावर दिखाया, वो सब अच्छा लगा। और स्पेशली जो फ्लाई किया एयरक्राफ्ट, उसका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमें भारतीय होने का गर्व है, हमेशा रहेगा। मुझे लग रहा है कि जैसे नारी शक्ति के बारे में दिखाया तो अपने आप में महसूस हो रहा है कि हम एकदम बिल्कुल ही एकदम शक्तिशाली या सशक्त हैं। एयर श्वास थोड़ा सा दिख नहीं पाया लेकिन जितना भी दिखा काफी था वो और बहुत बढ़िया लगा। गर्ल्स की जो एयरफोर्स वाला था वो बहुत अच्छा लगा। पर लोगों का जोश और उत्साह तब और बढ़ गया जब सेना के कोर ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल टीम ने मोटरसाइकिल पर एक से बढ़कर एक रोमांचक प्रदर्शन दिखाया। चलती बुलेट से कोई योग करता दिखा तो कोई 18 फुट लंबी सीढ़ी पर सैल्यूट करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया। मौसम खराब होने के बावजूद वायुसेना का भी दम दिखा। सुखोई जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किए तो रफाल ने हवाई करतब दिखाए। गूंजता हुआ आकाश। कर्तव्य पथ से लाल किले तक की इस परेड में देश की परंपरा भी नजर आई, देश का पराक्रम। देश के सजे सौरे कर्तव्य पथ पर पहली बार हुई इस गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और नारी शक्ति की झलक देखने को मिली। परेड में एक और भारतीय सेना की ताकत तो दूसरी ओर तकनीकी प्रगति और तरक्की ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।